हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखेंगे अभ्यास फोसी का कक्षा 8 गणित। अभ्यास फोसी का पहला का नौवां सवाल और पहले का पहला से लेकर आठवां तक पहले वीडियो में हमने सॉल्व किया था, आज नौवें से शुरू करेंगे। दोस्तों, पहले वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। दोस्तों, नौवां सवाल है ए प्लस बी बटे दो प्लस सी बटे दो का होल स्क्वायर। सूत्र पर रखेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। तो ए बराबर हमारा ए है, बी बराबर है बी बटे दो, सी बराबर है सी बटे दो। उसके बाद इस पर सूत्र रखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, बी बराबर हमारा दिया है बी बटे दो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सी बटे दो का स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए कितना है ए है और बी कितना है बी बटे दो है, प्लस टू बी सी दो गुणे बी कितना है बी बटे दो और प्लस सॉरी टू बी सी सी बटे दो प्लस टू सी ए, टू सी कितना है सी बटे दो, उसके बाद ए है ए है। उसके बाद देखिए इससे दो से और ये दो से ये हमारा कट जाएगा और यहाँ दो देखिए यहाँ दो से कट जाएगा। उसके बाद इसको करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दो का वर्ग करेंगे दो दूनी चार प्लस सी स्क्वायर दो दूनी चार प्लस यहाँ से ये भी दो कट गया। उसके बाद बचा ए बी प्लस उसके बाद बचा बी सी, बी सी एक टू बचा है दो प्लस ये हो गया सी ए। दोस्तों, ये हो गया हमारा आंसर। दोस्तों, पहला करना हुआ है ए और यहाँ होगा तीन, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसका बाद दो का वर्ग करेंगे दो दूनी चार प्लस सी स्क्वायर तीन का वर्ग करेंगे तीन त्रिका नौ प्लस टू ए बी, टू ए कितना है ए है और बी कितना है बी बटे दो प्लस टू टू बी सी, टू बी बराबर कितना है बी बटे दो गुणे सी कितना है सी बटे सॉरी तीन तीन प्लस टू सी ए, टू सी कितना दिया है सी बटे तीन और ए हमारा ए है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ ए दो से ए दो हमारा कट जाएगा, इसको काट देंगे। उसके बाद ए दो ए भी कट जाएगा। उसके बाद क्या क्या बचेगा पहले कर देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे चार प्लस सी स्क्वायर बटे नौ प्लस इसको करेंगे ए बी प्लस बी बी सी बटे यहाँ थ्री है तीन, बी और सी को गुणा करेंगे बी सी हो जाएगा प्लस। अब इसको करेंगे टू सी ए बटे तीन, ये हो गया हमारा आंसर। दोस्तों, पहला का दसवां सवाल है ए माइनस बी बटे तीन प्लस टू सी बटे पाँच का होल स्क्वायर। इसको सूत्र पे रखेंगे तो ए बराबर हमको दिया है ए, बी बराबर है बी बटे थ्री और सी बराबर है टू सी बटे पाँच। सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर, ए बराबर हमको ए दिया है प्लस बी स्क्वायर, बी बराबर दिया है माइनस बी की घात तीन स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अर्थात टू सी की घात पाँच स्क्वायर बटे पाँच की घात दो प्लस टू टू ए बी, टू ए हमको दिया है ए और बी बराबर है माइनस बी बटे तीन प्लस
टू बी सी, टू बी बराबर दिया है माइनस बी बटे तीन, और सी कितना है टू सी बटे पाँच, टू सी बटे पाँच। उसके बाद प्लस टू सी, टू सी कितना दिया हमको टू सी बटे पाँच, और ए बराबर ए है। इसके बाद देखिए इसको ए स्क्वायर, ए प्लस है वो प्लस होगा, जैसे इसका माइनस में जब वर्ग होगा तो माइनस गुणे माइनस बराबर होता है प्लस, तो हो जाएगा ए स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर तीन त्रिका नौ, प्लस दो दूनी चार, चार सी स्क्वायर पाँच कवर करेंगे पचहम पच्चीस। उसके बाद इसको देखिए ए प्लस है ए माइनस है तो होगा हमारा माइनस। उसके बाद दो ए बी, दो ए बी बटे तीन प्लस, अब ये प्लस है माइनस होगा माइनस, माइनस इसको गुणा कराएंगे दो दूनी चार, चार बी सी बटे, अब इसको गुणा कराएंगे पाँच तिहाई पंद्रह, पाँच तिहाई पंद्रह प्लस, दोस्तों देखिए अब इसको गुणा कराएंगे टू दो दूनी चार ए सी बटे पाँच, ये हो गया हमारा आंसर। दोस्तों पहला का एक ग्रामर सवाल है, ए माइनस बी बटे दो माइनस छः का होल स्क्वायर, सूत्र रखेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पे, तो ए बराबर दिया है ए, बी बराबर है माइनस बी बटे दो, सी बराबर माइनस सिक्स है, सूत्र रखते हैं ए स्क्वायर, तो ए बराबर हमको दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी बराबर दिया माइनस बी बटे दो का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी बराबर दिया माइनस का सिक्स स्क्वायर प्लस, देखिए प्लस टू ए बी, टू ए कितना दिया है ए, बी है हमारा बी बटे दो। उसके बाद फिर टू ए बी हो गया हमारा, उसके बाद टू ए बी, उसके बाद टू बी सी, टू बी सी प्लस टू बी कितना है माइनस बी बटे दो, उसके बाद सी कितना है माइनस का सिक्स, फिर होता है प्लस टू सी ए, टू सी बराबर दिया हमको माइनस का सिक्स, उसके बाद ए बराबर ए है, ए बराबर ए। उसके बाद इसको कराएंगे हम ए स्क्वायर प्लस, अब बी को जब माइनस में जब स्क्वायर इसका करेंगे तो हो जाएगा प्लस में बी स्क्वायर बटे दो का होगा चार, प्लस इसका माइनस होगा जब वर्क कराएंगे तो हो जाएगा प्लस में छछवक छत्तीस। अब यहाँ देखिए ए प्लस है ए माइनस है और दो से दो हमारा कैंसिल हो गया, उसके बाद बचा माइनस प्लस माइनस माइनस ए बी, और इसके बाद इसको देखिए ए दो से ए दो कटा हमारा, उसके बाद ए प्लस है ए माइनस है तो होगा माइनस, उसके बाद यहाँ माइनस है यहाँ माइनस होगा हमारा प्लस बी सिक्स बी प्लस, और देखिए इधर प्लस ए प्लस है ए माइनस होगा हमारा माइनस दो छंग बारह ए, ये हो गया हमारा आंसर। तो फोसी का दूसरा सवाल है, सरल कीजिए यक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस एक ब्रैकेट में यक्स माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस एक ब्रैकेट में है यक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, इसको सूत्र रखते हैं ए बराबर है यहाँ यक्स, बी बराबर वाई, सी बराबर जेड, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इसको वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस सूत्र होता है टू ए बी, टू ए कितना है टू एक्स बी वाई है प्लस टू बी सी, टू बी कितना है वाई, उसके बाद सी कितना है जेड प्लस टू सी, टू सी कितना है
से ये है हमारा जेड, ए कितना है एक्स, ए हो गया। उसके बाद ए वाला हल करेंगे, एक्स माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसको हल करेंगे, ए बराबर है एक्स, बी बराबर वाई, जे सी बराबर जेड। तो सूत्र होता है ए स्क्वायर अर्थात एक्स स्क्वायर माइ प्लस बी स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस सी बराबर जेड दिया है जेड का स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए एक्स है बी माइनस का वाई है। उसके बाद प्लस टू ए बी, फिर प्लस टू बी सी, तो टू बी बराबर है माइनस का वाई, सी बराबर है जेड, प्लस टू बी सी प्लस टू सी प्लस टू सी कितना है हमारा जेड, ए बराबर एक्स है। उसके बाद इसको हल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस माइनस टू एक्स वाई प्लस माइनस माइनस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स, टू जेड एक्स। तो इसको हल करेंगे, एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई माइनस का जेड स्क्वायर माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, तो ए बराबर हमको दिया है एक्स, बी बराबर वाई, जी सी बराबर माइनस का जेड। सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर, ए बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर माइनस का जेड स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए कितना है एक्स, बी कितना है वाई, प्लस टू सी ए, टू सी कितना है वाई, और टू बी टू ए बी, उसके बाद टू बी सी, टू बी वाई है और जेड सी माइनस का जेड है प्लस टू सी ए, टू सी कितना है माइनस का जेड और ए है एक्स। अब इसको हल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, ये माइनस है माइनस माइनस, जब उस वर्ग होगा माइनस माइनस का तो होगा प्लस में, तो जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, टू एक्स वाई प्लस माइनस माइनस टू वाई जेड प्लस माइनस माइनस टू जेड एक्स, इतना आ गया हमारा। दोस्तों यक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर हमारा आ गया इतना। उसके बाद यक्स माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर आ गया इतना। उसके बाद यक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर बराबर इतना आ गया। उसके बाद इसको चलिए हल करते हैं, यहाँ यक्स स्क्वायर है, यहाँ यक्स स्क्वायर है, यहाँ यक्स स्क्वायर हो, तो होगा एक दो तीन, तो होगा थ्री एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ प्लस वाई, होगा थ्री वाई स्क्वायर प्लस यहाँ जेड स्क्वायर है, यहाँ जेड स्क्वायर है, यहाँ जेड स्क्वायर है, होगा थ्री जेड स्क्वायर। अब प्लस टू एक्स वाई माइनस टू एक्स वाई, तो हमारा प्लस टू एक्स वाई माइनस टू एक्स वाई कट गया। उसके बाद बचा यहाँ देखिए प्लस टू एक्स वाई प्लस टू एक्स वाई, यहाँ है प्लस का टू वाई जेड, यहाँ माइनस का टू वाई जेड है, तो प्लस का टू वाई जेड माइनस का टू वाई जेड कट गया। उसके बाद बचा टू, उसके बाद क्या बचा यहाँ माइनस टू वाई जेड बच गया, माइनस टू वाई जेड। उसके बाद फिर प्लस टू जेड एक्स और प्लस टू जेड एक्स माइनस टू जेड एक्स,
तो यहाँ से यहाँ कटा, उसके बाद बचा प्लस का 2zx, ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों, ये हो गया हमारा आंसर 3x² प्लस 3y² प्लस 3z² प्लस 2xy माइनस 2yz प्लस 2zx। दूसरा का दूसरा सवाल है 3x² 3x माइनस 2y प्लस z का होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2y माइनस का z² a बराबर 3x b बराबर माइनस 2y c बराबर z। इसमें है a बराबर 3x b बराबर 2y और c बराबर माइनस का z b बराबर। उसके बाद इसको कराएंगे सूत्र में कन्वर्ट करेंगे a प्लस 3x माइनस 2y प्लस z को हल करते हैं ए स्क्वायर 3x² प्लस बी स्क्वायर माइनस 2y² प्लस सी स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab माइनस का 2y। प्लस 2bc, 2 गुणे b बराबर हमें माइनस 2y, c कितना है z, प्लस 2ca, c है हमारा z, a है 3x। इसको हल कराएंगे 3 × 9, 9x² प्लस माइनस का वर्ग होगा प्लस, तो 2 × 4 y² प्लस z² प्लस माइनस माइनस होगा, उसके बाद 2 × 4 यही 12 xy प्लस माइनस माइनस 2 × 4 yz, उसके बाद फिर इसको करेंगे प्लस 2 × 6 6zx। रखेंगे a बराबर 3x b बराबर 2y z c बराबर माइनस का z, तो सूत्र क्या होता है a स्क्वायर 3x² प्लस b² बराबर 2y² प्लस c² बराबर माइनस का z² प्लस 2ab, 2 a 3x है, b 2y प्लस 2bc, 2 गुणे 2y और c है गुणे माइनस का जेड, 2ab 2bc, उसके बाद प्लस 2ca, 2c है माइनस का जेड, ए है 3x। फिर इसको हल करेंगे 3×9x² प्लस 2×4 y² प्लस 2×z z² प्लस का 3×6×12 xy प्लस माइनस माइनस 2×4 yz प्लस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस होगा, 2×6 zx। तो दोनों का सॉल्व किया हमने, पहले इसको ब्रैकेट खोलेंगे, 9x² प्लस 4y² प्लस z² माइनस 12xy माइनस 4yz प्लस 6zx। अब माइनस को जब खोलेंगे तो यहाँ माइनस 9x², अब ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 4y², ये माइनस में हो जाएगा z² प्लस, ये प्लस है तो यहाँ माइनस होगा 12xy, उसके बाद फिर ए प्लस में हो जाएगा माइनस में होगा 4yz, फिर ये प्लस में हो जाएगा माइनस में z 6zx। उसके बाद देखिए यहाँ 9x² और इधर माइनस का 9x² है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, प्लस का 4y² माइनस का 4y², ये भी कट गया, ये प्लस का z² ये माइनस का z² कट गया। उसके बाद
माइनस बारह एक्स वाई इधर है और माइनस बारह एक्स वाई इधर है, तो हो जाएगा जुड़ेगा माइनस वाई, क्योंकि जुड़ता है बारह बारह चौबीस, माइनस का चौबीस एक्स वाई, वाई माइनस का फोर वाई जेड और इधर प्लस का फोर वाई जेड है, ए माइनस का फोर वाई जेड है और ए प्लस का फोर वाई जेड है, तो ये हमारा कैंसिल होगा, प्लस छः जेड एक्स उसके बाद प्लस छः जेड एक्स, तो होगा हमारा छः छः बारह, प्लस का बारह जेड एक्स, ये हो गया हमारा आंसर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर ब्रेकेट होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का उसके बाद ब्रेकेट में होल स्क्वायर, तो हल कहेंगे ए बराबर एक्स है स्क्वायर है, बी बराबर वाई स्क्वायर है, सी बराबर जेड स्क्वायर। पहले इसको हल करते हैं, एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की घात स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है जेड स्क्वायर स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए कितना है एक्स स्क्वायर, बी कितना है वाई स्क्वायर प्लस टू बी सी, टू वाई स्क्वायर सी बराबर माइनस जेड स्क्वायर प्लस टू सी ए, टू सी है माइनस का जेड स्क्वायर प्लस ए है गुणे ए एक्स स्क्वायर, टू ए बी टू बी सी प्लस का टू सी ए, इसको हल करेंगे हो जाएगा दो दूनी चार प्लस वाई ज्ञात चार प्लस या माइनस है जेड की घात चार प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये प्लस है माइनस होगा माइनस टू वाई स्क्वायर जेड प्लस माइनस माइनस टू जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये होगा इतना। उसके बाद ए वाला हल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को हल करेंगे, अब सूत्र होता है ए बराबर एक्स स्क्वायर बी बराबर माइनस का वाई स्क्वायर सी बराबर जेड स्क्वायर, तो ए स्क्वायर होता है सूत्र ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर का स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू एक्स स्क्वायर बी कितना है माइनस का वाई स्क्वायर टू ए बी प्लस टू बी सी, टू गुड़े माइनस का वाई स्क्वायर सी कितना है जेड स्क्वायर प्लस टू सी ए, टू सी कितना है जेड, ए कितना है एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, उसके बाद फिर इसको हल कराएंगे, एक्स की घात चार प्लस वाई की घात चार प्लस जेड की घात चार प्लस माइनस माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस टू वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस टू जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इतना आ गया। पहले दोस्तों ब्रेकेट खोलेंगे, एक्स की घात फोर प्लस वाई की घात फोर प्लस जेड की घात फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस टू जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब माइनस से ब्रेकेट खोलेंगे तो हो जाएगा एक्स की घात फोर, ए प्लस है तो माइनस होगा वाई की घात फोर, ए प्लस में है तो होगा माइनस जेड की घात फोर, ए माइनस में होगा प्लस में होगा माइनस में है तो प्लस में होगा टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए माइनस में है प्लस में होगा टू वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ए प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ए प्लस में है तो होगा माइनस में होगा तो टू जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर देखिए कौन कौन कट रहा है, यहाँ एक की घात फोर है, यहाँ माइनस एक्स की घात फोर है, तो ये माइनस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, प्लस वाई की घात फोर माइनस वाई की घात फोर, तो ये
कैंसिल, प्लस जेड की घात 4 माइनस जेड की 4 ये भी कैंसिल। उसके बाद 2x² y² हुआ 2, 4x² y² माइनस का 2y² z² और ये प्लस का 2y² z², तो ये हमारा कैंसिल होगा। उसके बाद फिर बचा माइनस 2z² x², ये माइनस, तो माइनस माइनस जुड़ता है तो होगा माइनस 4z² ये हो गया हमारा आंसर। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे एजुकेशन रंजीत कुमार के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।